जमाने में भी जब आप आइडेंटिकल ट्विंस को देखते हैं ना, बंदा कंफ्यूज जरूर होता है कि आखिरकार कौन कौन है, फिर चाहे आप बचपन से ही उन्हें क्यों ना जानते हो। और इसी का फायदा उठा लिया है दिव्य दृष्टि में भाई पिशाचिनी ने। जब से ये दृष्टि का डबल रोल ने लिया है एंट्री, बस इनकी तो चांदी हो गई, बल्कि इनके हाथ तो रतन लग गया है जी। चांदी तो छोटी सी बात है। पिशाचिनी और कांच रानी के जाल में अब पूरा परिवार आ गया है। तुम हो नकली, तुम हो नकली। हाँ देवी, ये झूठ बोल रही है, ये हम सब को धोखा दे रही है। इसे मार दो, इसे पहले ही हमें मार दे, इसे मार दो। दिव्या को भी अब पता नहीं चल रहा कि उसकी दी कौन है और कौन है उसकी हमशक्ल। मार दो, 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 रक्षित के साथ साथ घर वालों के सामने दृष्टि ने खुद को साबित करने की कोशिश की कि वही असली दृष्टि है, लेकिन कांच रानी अपनी जाल में कामयाब हो गई। उसकी बातों में आकर दिव्या ने अपनी ही बहन को नहीं पहचाना। देखा, ये मेरी दृष्टि दी है ये, और तुम नकली हो, तुम नकली हो। लेकिन एंड में मैं ही बचा लेती हूँ अपने आप को। नेगेटिव्स जो हैं थोड़े ओवर स्मार्ट होते हैं ना, तो अपनी ओवर स्मार्टनेस से मैंने सिचुएशन बचा लिया, बट देखते हैं कब तक बचेगी। अभी फिलहाल दृष्टि को कोई नहीं पहचान पा रहा, लेकिन कांच रानी का ये जाल टूटेगा जरूर। दृष्टि थोड़ी मरेगी, दृष्टि तो बहुत ही जिद्दी है, पता नहीं कौन सी पत्थर से अपनी किस्मत लिखा कर आई है वो। कुछ भी कर लो उसके साथ, उसे कुछ नहीं होता। तो इन दी एंड कांच रानी और घर पे जितने भी कांच के मेंबर्स हैं उन सबका खात्मा होगा। एक तरफ यहाँ कांच रानी घर वालों को संभाल रही है, तो दूसरी तरफ पिशाचनी रतन पाने की लड़ाई लड़ रही है। पेट खराब था तेरा, अरे पहले तो समझाने के चक्कर में बच गई, पर अब तुझे कौन बचाएगा। मेरी बात सुन, अरे यार मुझे जाते ये रत्ना की फाइट इतने दिनों से चल रही है, मेरा दिमाग घूम जा रहा है। कभी कभी लगता है मैं दान में दे दूं इनको रत्ना की, ले लो तुम लोग रखो अपने पास रत्ना, मुझे नहीं चाहिए। तत्व रत्ना और ये नीचे वाला जो है मायावी रत्ना, ये दोनों है। ये बीच का स्पेस है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, दिस इज फॉर काल विजय रत्ना। तो बस अभी काल विजय रत्ना आने ही वाला है, इसमें जुड़ने ही वाला है। आखिरकार वो पल आ गया जब पिशाचिनी को उसका ये रत्न मिल गया, लेकिन इतनी आसानी से तो दिव्य दृष्टि भी हार नहीं मानेगी। क्या पता कब ये रत्न पिशाचिनी के हाथों से निकलकर इन बहनों के पास पहुंच जाए। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।